बन्नी, आपके लिए तो चूज़ किया है मैंने ये सबसे स्पेशल परफ्यूम, क्योंकि आप खुद ही हैं सबसे स्पेशल, और सबसे स्पेशल हैं युवान की ज़िंदगी में भी। तो क्या कुछ स्पेशल हो रहा है आज बन्नी और युवान की कहानी में? क्या है यहाँ पर प्यार की खुशबू या फिर किसी नए ड्रामे की? चलिए लेकर चलते हैं आपको बन्नी चौक की होम डिलीवरी के सेट पर। बन्नी और अगस्त की शादी, बन्नी और कबीर की मोहब्बतें, स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाओ होम डिलीवरी में दुल्हन सी सज गई है बन्नी और वो तैयार है अगस्त के साथ साथ फेरे लेने के लिए। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि बन्नी के प्यार से बाहर आ जाता है युवान। और देखे तो जरा आज कैसे युवान और बन्नी की मोहब्बतें साफ देखने को जाहिर है। युवान को तो पता ही नहीं कि आखिरकार बन्नी के साथ क्या कुछ हुआ है, इसीलिए वो रोकर अपना दर्द बयां कर रहा है। ऐसे में बन्नी भी बनी है युवान का सहारा और वो उसे समझाने में लगी है कि असल में गलती उसकी नहीं बल्कि कबीर की थी। तो क्या हो गई है बन्नी और युवान के प्यार की जीत? दूर हूँ अपने युवान से। युवान बन्नी के लिए युवान और युवान के लिए बन्नी के, वो किसी तीसरे इंसान को बताने की कोई जरूरत नहीं। युवान, हम दोनों के दिल जुड़े थे आपस में और आज भी हम दोनों के दिल धड़कते हैं, तुझे किसने में दूसरे के लिए। सब प्यार का भी रख आंखों के सामने तड़पती रही और कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। नहीं बन्नी, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल। ये कह रहे हो युवान, इतने दिनों जो कुछ भी हुआ वो तुमने ना हर एक परछाई ने किया, थारे दिमाग के किसी दूसरे रूप ने किया। वो तो बन्नी का युवान था ही ना, ये हमारा युवान, वो तो कबीर था। अगर समझो युवान ने नहीं सुना, एक्चुअली कबीर को ना कान में रुई डाल के आ जाना चाहिए था, वो सुनी नहीं पाता। आइडिया मत दो प्रवेश, कबीर सुन लेगा ना तो कर लेगा, समझ आया? हाँ, मतलब अगर सुनी नहीं पाता तो फिर बन्नी और अगस्त से वही फेरे लेके कंप्लीट। अरे बन्नी इतने जोर से चिल्लाती है ना कि कोई तुम्हारा कापूस वापस नहीं काम आने वाला। तो मैं मानता हूँ इतना कल ऑफ कैमरा चल रहा था। तो वो युवान बन चुका था, तो बीच बीच में जब बन्नी की याद और जब बन्नी और युवान का प्यार एक्चुअली हिट करता है कबीर के दिल में कहीं, तो युवान वापस आ जाता है। और तब की वो बातचीत थी जिस सीन की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर युवान देखता है कि अरे बन्नी शादी कर रही है किसी और से, और ये क्या मतलब। भाई बन्नी के प्यार के आगे आखिरकार कबीर को हारना ही पड़ा और ऐसे में युवान बाहर आ चुका है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्योंकि अब अगस्त्य नहीं चाहता कि बन्नी और युवान एक हो। देखिए आ गया मेरा दुश्मन, मैं यहाँ पे लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल उदय करके थम गई हूँ, क्योंकि इनकी शक्ल जो मेरे पति युवान से मिलती है। दिल नहीं तोड़ रहा, मैं सिर्फ अपना बदला ले रहा हूँ। कबीर बदला ले रहा है युवान का। किससे? मुझसे? तुम आई क्यों फैमिली में? तुम नहीं हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मेरे और तुलिका के रास्ते के बीच में आ रही हो। बंटी मेरा बचपन का प्यार, तुम मेरे और युवान के बीच में आए, समझे ना। तुम जाओ किसी और के दिमाग की मानसिक रोगी बन जाओ, समझ आया तुमको? युवान को बहुत सताया सब जालिम दुनिया ने, तो बन्नी है ना यहाँ पे, तो बन्नी पर कबीर को भरोसा नहीं है। अच्छा, अभी निकालती हूँ कबीर का भूत। लेगा तो बदला तो फैजल लेगा सबका। बहुत गंदा था। अच्छा।